आज मैं जब कॉलेज जा रहा था और पेट्रोल भराने के लिए जब सामलोंग के पेट्रोल पंप में गया, जो कि HP पेट्रोल पंप है, वहाँ मेरे साथ जो हुआ आज वो देख के हम शॉक हो गए। पेट्रोल पंप में जो भैया को बोले कि हमको पेट्रोल चाहिए 101 रुपया का, लेकिन वो बिना बिना मीटर को जीरो किए ही वो हमको पेट्रोल दे दिए। यानी कि पहले से ही स्क्रीन में देखेंगे कि आप आगे कि क्या हुआ है, जो कि 60 रुपया का जो तेल है वो पहले ही ले लिया गया था और वहीं से शुरू किए। हम बोले कि 101 रुपया का दीजिए। हम दो बार बोले, एक बार नहीं, दो बार बोलने के बावजूद भी वो ठीक से नहीं सुने। 101 खुला है। एक सौ एक छोड़ दीजिए। नहीं, लॉक तो होता है, बिना लॉक है थोड़ी। क्या कर दिए, 101 का बोले। मीटर पे जो स्क्रीन का जो विजिबिलिटी है उसको पूरी तरह से छेंक दिए, जिसके कारण हम उसमें मीटर पे देखने नहीं सके। लेकिन जब हम गोप्रो में आके हम फिर जब एडिटिंग करने के लिए बैठे तो हमको पता चला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बोला हाँ, ना 101 गजब है। अभी 101 दिखाएं और तीन सौ एक ने 101 बोल रहे हैं आपको कि हम तो। जब 101 रुपया का बोले तो वो तो वहाँ पे हमको वो बोले कि 301 रुपया का हम डाल रहे थे। 301 रुपया का हम बोले ही नहीं है। हम उतना साम ना ही ज़्यादा भीड़ भाड़ था, एकदम पूरा कम भीड़ था, ज़्यादा नहीं, तीन चार आदमी थे। तो बिल निकाल के दीजिए उसका। कॉलेज लेट हो रहा था, मेरे पास इतना पैसा वैसा नहीं था, तो हम अपने दोस्त को कॉल किए तो फिर उससे हम पैसा लिए और पैसा फिर पेमेंट किए और कॉलेज जल्दीबाजी में निकल गए। गजब आदमी, मेरा कॉलेज लेट करा देगा ये लोग। चलो तेल भराए हम 101 रुपया का और साला उधर बिल बना दिया उतना का। गजब आदमी है, ठीक से सुनता भी नहीं है क्या आगे बोलेंगे। अभी पहले देख लेते हैं कि क्या है। अभी जाके हम पहले पूरा फुटेज चेक करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ क्या हुआ है, कि वो पहले से ही कुछ अब मतलब आगे बढ़ा हुआ था कि क्या। उसके बाद तो कंप्लेन लिखने के बाद कुछ वहाँ के जो इंचार्ज लोग थे वो लोग आए, बोले कि मेरे पास वीडियो फुटेज है, तब जाके वो लोग विश्वास किए। नहीं तो हमको नहीं लगता था कि कोई वैसा बात में कोई विश्वास करेगा, क्योंकि कोई अपना CCTV फुटेज नहीं देखना चाहता है कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं। तो मेरे साथ आज जो हुआ, जो कंप्लेन जो हम आज दर्ज किए हैं उसका, और जो कंप्लेन करने के बाद का जो सीन है, और जो मेरे साथ स्कैम हुआ, उसको हम जो मेरा जो अगला पार्ट में जो हम पूरा ब्लॉग को पूरा डिटेल में पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें आपको पूरी तरह से दिखाएंगे। तो ये तो एक शॉर्ट एंड यानी कि संक्षेप में था कि मेरे साथ क्या हुआ। सो ये किस तरह से हुआ, पूरा जो मेरा जो पूरा पूरा जर्नी था उस दिन का, वो जर्नी हम दिखाएंगे आपको। भले थोड़ा सा ब्लॉग मेरा लंबा होगा लेकिन आखिरी तक देखें। सो आपको कुछ देखने को मिलेगा कि पेट्रोल पंप में किस तरह से स्कैम किया जाता है। सो इस सब चीज़ से थोड़ा मतलब बच के रहें, और मीटर को कभी भी तेल ले पेट्रोल पंप में तो उसको जीरो पे सेट करके ही ले। सो देखिए कि आगे क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में, जो जब हम पूरा पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। सो गाइज, वेट एंड वॉच टिल द नेक्स्ट ब्लॉग इज़ कम।